डियर फ्रेंड्स, शॉटगन चूंकि हंटिंग का सीजन स्टार्ट हो चुका है, आपके साथ हम चाइनीज ओवर अंडर डबल बैरल 12 बोर की शॉटगन जो है उसका एक रिव्यू करने जा रहे हैं। इसमें इसकी फायरिंग पिन का टेस्ट करेंगे, इसका मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे और इसकी स्पेक्स के बारे में भी बात करेंगे और वीडियो के एंड पे इसकी प्राइस भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा हमारी वीडियोस ताकि आप तक हमारी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस पहुंचती रहें। जी तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस कंपनी का नाम पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। शॉन्गलिंग कंपनी है चाइना की, ये आप देख सकते हैं। PH-12-1 इसका मॉडल है और डबल ट्रिगर में विथ सेफ्टी और नॉन इजेक्टर। ये दोस्तों ये शॉटगन है, फिनिशिंग बहुत अच्छी है, बैलेंस बहुत अच्छा है इसका, ये आप देख सकते हैं, बहुत स्ट्रेट, बड़ा अच्छा बैलेंस है इसका। आपके साथ इसकी बैरल लेंथ की अगर हम बात करते हैं तो ये 28 इंच की इसकी दोस्तों बैरल है, 28 इंच की बैरल है। शॉटगन के जो है एक्यूरेसी और इसका जो है आपका टारगेट वो डिपेंड करता है, शॉटगन की बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है ये कि इसका जो लेंथ ऑफ स्टॉक है वो जो हमारे शिकारी हजरात हैं वो प्रेफर अक्सर लोग किया करते थे पहले वक्तों में कि टेलर्ड मेड यानी कि अपने हिसाब से जो है वो शॉटगन तैयार करवाया करते थे। उसमें दोस्तों आपको बताते हैं इसकी क्या रीज़न थी, क्योंकि बहुत से लोगों के कुछ जो है बॉडी मेजरमेंट डिफरेंट होती है, बाजू कुछ के लंबे होते हैं, कुछ के शॉर्ट होते हैं, कुछ के हाथ लंबे होते हैं, कुछ के शॉर्ट होते हैं। तो शॉटगन को मेजर कैसे किया जाता था, जिस तरह के टेलर साइज़ लेके आपके साइज़ का ड्रेस तैयार करता है, उसी तरह दोस्तों गनस्मिथ। जी तो दोस्तों, जिस तरह के आपसे बात कर रहे थे कि जिस तरह एक टेलर साइज लेके तो आपके बिल्कुल जो है फिट और फिटिंग बहुत अच्छी होती है उस ड्रेस की, इसी तरह शॉटगन का जो साइज लिया जाता था वो इस तरह से आप आर्म को फोल्ड करते थे और आपके इसके अंदर एल्बो इस तरह टर्न करके इसका जो स्टॉक है पूरी तरह अंदर बिठाना चाहिए। मेजरमेंट में आप देखें ये फिंगर जो है ये इसके दोनों ट्रिगर्स पे इजीली मूव कर सके, तो ये एक्यूरेट साइज होता था, इसकी ये मेजरमेंट हुआ करती थी। अब तो चूंकि सारी मशीन मेड और चूंकि फैक्ट्री से आती हैं बन के, बट वो एक जनरल साइज पे जो कि एक आम बॉडी मेजरमेंट होती है उसके हिसाब से बनाते हैं, तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी जो है वो। तो अब दोस्तों हम इसका जो है फायरिंग पिन का भी टेस्ट करेंगे। इसके अंदर हमने जो कार्ट्रिज हैं उनके अंदर से हमने जो पैलेट्स निकाल दिए हैं, गन पाउडर भी निकाल दिए, सिर्फ प्रीमर से इसका फायरिंग पिन का टेस्ट करेंगे। आपको कोशिश करेंगे हम दिखा सकें। ये फ्रेंड्स, इसके अंदर लोड करने के बाद ये आपने देखा अब ये रेडी टू फायर है, इसका बैरल की तरफ आप देखें। ये इसके जो है एम्प्टी शेल हमने फायर किए। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।